3 मिनट की वीडियो में वेलकम करते हैं आपको। आज हम डिस्कस करेंगे चाइना के ग्लोबल सेटेलाइट्स को जो पाकिस्तान आर्मी ने सेलेक्ट किया है, जिसका नाम है बेडू, बीडीओ ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। ये चाइना ने रिसेंटली अपने ग्लोबल में मिसाइल्स अपने लॉन्च किए हैं। ये इसकी एक वीडियो हम शेयर कर रहे हैं आपसे। कोई 30 नंबर्स ऑफ मिसाइल्स हैं जो चाइना इस टाइम तक लॉन्च कर चुका है ग्लोबल ऑर्बिट में, जैसे जिसका मकसद क्या होता है कि आपको आपकी सिग्नल्स देना पोजीशंस के, जैसा कि हम उबर क्रीम वगैरह में यूज़ करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इसको यूज़ करने का फ़ैसला किया और यूज़ कर रही है। पाकिस्तान, आप इमेजिन करें कि अगर कोई जंग की सूरत हाल में जिस तरह हम अमेरिकन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, वो हमारी ये सर्विस डिसेबल कर दें, तो हमारे मिसाइल्स, हमारे टारगेट्स अपनी जगह पर हिट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान आर्मी ने एक डिसीजन लिया है जिसके में हम बेडू को यूज़ करेंगे, और जबकि ये हमारा RAD-2 मिसाइल, GF-17 थंडर, इनमें ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। बेडू जो है ग्लोबल, इससे आप अपने जहाज़, अपनी मशीनरी, अपनी शिप्स वगैरह, हर तरह की हम इससे मूवमेंट्स ट्रैक कर सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि ये ऑर्बिट में इसके 30 मिसाइल्स हैं, जबकि जो GPS है उसके 27 सेटेलाइट्स हैं। मतलब इसकी प्रसीजंस उससे ज़्यादा अच्छी है, आप ये कह सकते हैं। और इस टाइम तक दुनिया में सबसे ज़्यादा 2200 सेटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, जिसमें अमेरिका 8 30 नंबर्स के साथ है। फिर रशिया का अपना ग्लोनस पोजिशनिंग सिस्टम है, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ का भी एक गलीलो पोजिशनिंग सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, और पाकिस्तान भी इस दौड़ में पीछे पीछे है। पाकिस्तान भी सो फार अपने 2 मिसाइल्स लॉन्च कर चुका है चाइना की हेल्प के साथ। जैसा कि 5G का दौर है, हर जगह 5G एक्सेसरीज हैं, तो चाइना के इस गलीलियो सिस्टम को यूज़ करते हुए बहुत सी पब्लिक ने ऑप्ट किया है। 3 इसकी एक्यूरेसी है, 5G टेक्नोलॉजी की सपोर्ट है, और जो सबसे अच्छी बात है, इस तरह डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि जलजला आया था आज़ाद कश्मीर में, तो जहाँ दूसरे सिस्टम्स बैठ जाते हैं मोबाइल्स वगैरह, तो इस सिस्टम को यूज़ करते हुए आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, जो सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी है। ये दूसरे आपको GPS ये फैसिलिटी नहीं देते। इनकी एक्यूरेसी अच्छी है, इसके 30 सेटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में, जबकि GPS के 27 हैं। रशियन का जो पोजिशनिंग सिस्टम है ग्लोनस, उसके जस्ट 21 है। तो चाइना ने ये फील्ड, इसको भी मतलब मार्केट को कवर कर लिया है काफ़ी हद तक, और पाकिस्तान आर्मी का बड़ा अच्छा डिसीजन है कि हमने अपनी चीज़ों को स्विच करना शुरू कर दिया है। इसी तरह पाकिस्तान की एक सेटेलाइट की वीडियो है जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था जुलाई 2018 में चाइना की हेल्प के साथ, तो पाकिस्तान भी इसमें आगे आ गया है। कोश अल्लाह पाक हमारे मुल्क और तरक्की दे। फीमान अल्लाह हाफिज़।